हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर बहे बाढ़े। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में शनिवार को एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया। यहां 3 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर बादल बरसे। दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी के बाढ़े बहने लग गए। शहर वासियों ने इस बारिश में नहाने का आनंद उठाया। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा पोस्ट के बीच सक्रिय हुए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। शहर में आज दोपहर करीब 12:30 बजे बारिश शुरू हुई, जो करीब 1 घंटे तक हुई। इस बारिश के कारण शहर के भीतरी भाग में पानी के बाढ़े बहने लग गए। तेज गति से हुई बारिश से कई स्थानों पर पानी जमा हो गई। वहीं इस बारिश के कारण तापमानी पारे में भी गिरावट आ गई। पिछले 3 दिन से बारिश नहीं होने से यहां तापमानी पारा फिर से बढ़ने लग गया था। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा पोस्ट से कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो चुका है। ये मध्य प्रदेश की तरफ से होते हुए पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। इसका असर शनिवार से राजस्थान में दिखाई दिया। अधूरा सामुदायिक भवन गिरा। शहर में शनिवार को दोपहर में हुई तेज बारिश के कारण आनंद सिनेमा के पास बना नगर निगम का अधूरा सामुदायिक भवन भरभराकर गिर गया। ये भवन खाली था, इसलिए किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। नाले के पास बने इस सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा था। इस भवन के आगे आसपास रहने वाले लोग व दुकानदार कचरा फेंकते हैं, इसलिए यहां लोगों का आना जाना नहीं है। सूचना मिलने पर निगम कर्मी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।